हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। देखिए, ये आपके टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें आपका टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितने टाइम में ये चीज़ भरेगी, कितने टाइम में। तो ये आपके पाइप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, तो देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं दो पाइप एक सिस्टर्न को 14 और 16 घंटे में भरती है। अगर इनको इकट्ठा जो है वो ओपन कर दिया जाए और बॉटम में एक लीकेज होने की वजह से उनको 92 मिनट जो है वो ज़्यादा लगते हैं सिस्टर्न को फिल करने में। तो जब सिस्टर्न फुल है तो इन व्हाट टाइम विल द लीक एम्प्टी इट। अगर सिस्टर्न आपकी फुल है तो कितना टाइम उसे लीक होने में लगेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग का स्टेप हमारा यही होता है कि दोनों का आप एक एक घंटे का काम निकाल लो, ठीक है। तो जब आपने दोनों का एक एक घंटे का काम निकाला तो 1/14 प्लस 1/16 ये दोनों का एक घंटे का कंबाइंड वर्क हो गया, ठीक है। और कितना टाइम लगा उनको मतलब ये टोटल उनको 7 घंटे 28 मिनट लगे, लेकिन टैंक में अभी क्या है, एक लीक है। इस लीक की वजह से इसमें 92 मिनट और जोड़ दिया आपने तो जब 92 मिनट इसमें जोड़े तो ये टोटल आपका 9 घंटे बन गया। तो वर्क डन बाय टू पाइप्स प्लस लीक इन 1 आवर, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो दोनों पाइप प्लस एक लीक के द्वारा जो एक घंटे में हुआ, क्योंकि लीकेज की वजह से टोटल टाइम उनको 9 घंटे का लग रहा है। तो एक घंटे का काम निकाल लीजिए, 1/9 हो गया। तो एक घंटे में दोनों पाइप प्लस लीकेज का काम आपका 1/9 हो गया, बस अकॉर्डिंग टू द दिस इक्वेशन। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू द दिस इक्वेशन, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, बस इसी को आपने एनालाइज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, वर्क डन बाय द टू पाइप्स, जब दोनों पाइप्स ने इकट्ठे काम किया तब आपका कितना हो गया वर्क डन, 15/122, ठीक है। प्लस सपोज करो लीकेज का जो वर्क हो गया एक घंटे का, मतलब इतना वो लीक करती है, ठीक है, इतना मतलब पानी निकाल रही है। जैसे एक टैंक है, उस टैंक में आपका ए और बी टैप दोनों आ रही हैं और एक यहाँ पे बॉटम पे एक लीकेज है, ठीक है। तो दोनों ने एक घंटे में कितना पार्ट फिलअप किया, 1/9। तो एक घंटे में दोनों ने जितना नेट भरा होगा, जितना नेट फिलिंग हो रही है वही हम लेंगे। नेट फिलिंग कैसे होगी भाई, इन दोनों का जो वर्क डन हो गया एक घंटे का माइनस के सपोज करो लीकेज की दर आपकी कितनी है, टी है, मतलब ये पूरा का पूरा ड्रेन जो है वो टी सेकेंड टी आर में करता है। तो दिस इज़ 1 - t, ये हो गया इसका एक घंटे में जितना वो पानी बाहर निकाल रहा है इज़ इक्वल टू 1/9। यहाँ से आप t के लिए सोल्व कर लीजिएगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा इन्होंने 15/122 इधर आएगा, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये सोल्व करके 23, ये प्लस का आएगा, 23/1008, यानी कि 1/t इज़ इक्वल टू 23/1008। और आपने टोटल निकालना था तो टोटल इसको ऊपर कर लीजिए, तो ये आपका टोटल जो टाइम आएगा वो इसको सिस्टर्न को एम्प्टी करने में कितना लीक के द्वारा टाइम आया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 24 and 32 मिनट रिस्पेक्टिवली। दोनों को एक साथ ओपन कर दिया तो कह रहे हैं टैंक बी को कितने टाइम बाद क्लोज करें कि आपका जो टैंक है वो 9 मिनट में भर जाए। ये वर्क डन वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको जस्ट इनका एक एक घंटे का निकालना है, ठीक है। कह रहे हैं कितने टाइम बाद उसको क्लोज करें। सपोज करो मैंने वो एक्स मिनट बाद क्लोज कर दिया, ठीक है, कि एक्स मिनट के बाद मैंने बी को क्लोज कर दिया, यानी एक्स मिनट तक ए और बी ने इकट्ठा पानी भरा होगा उसमें। उसके बाद फिर टोटल 9 मिनट में इन्होंने कहा है कि बाकी जो टैंक है आपका 9 मिनट में फिलअप हो जाए, यानी कि बाकी आपका 9 - x हो गया इतने टाइम में बी ने वर्क किया, ठीक है। तो उसी की इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगी। यहाँ देखिए, ए ने जो पार्ट फिलअप किया 1 मिनट में 1/24, बी ने जो फिलअप किया ये 1/32, और उसके बाद बी इज़ क्लोज्ड आफ्टर एक्स मिनट। सो ए और बी ने एक्स मिनट तक जितना पार्ट फिल किया प्लस बी ने 9 - x जितना फिलअप किया इतने टाइम तक जो पार्ट फिल्ड बाय ए, सॉरी बी को तो क्लोज कर दिया तो ए ही बचा, यानी अब 9 - x मिनट तक ए ने पार्ट फिलअप किया। अब ए की ही जो है वो ऑन होगी टैप, ठीक है।
यहाँ पे पहले दोनों टैप थी एक साथ, ठीक है, उसके बाद एक्स मिनट बाद जो है वो बी को बंद कर दिया, उसके बाद यानी टोटल 9 मिनट में अगर पार्ट फिलअप हो रहा है तो 9 माइनस एक्स टाइम बचा तो वो सिर्फ ए ने फिलअप किया। बस इस इक्वेशन को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ये जो आपके पास इक्वेशन आई इसको आपने जस्ट सोल्व करना है एक्स के लिए, ठीक है। जब आप एक्स के लिए इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये 20 आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 15 to 20 मिनट, ठीक है। ए और बी कोई पाइप हैं, वो 15 और 20 मिनट में रिस्पेक्टिवली वो उसको सिस्टर्न को फिल करती है। अब इन्होंने कहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया है, बट आफ्टर 2 मिनट पाइप ए जो है वो उसको बंद कर दिया गया है 2 मिनट के बाद, बताइए इसे टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोनों का एक एक घंटे का काम निकाल लीजिए, 1/15 + 1/20, ठीक है, ये दोनों का इकट्ठा काम हो गया। लेकिन 2 मिनट के बाद पाइप ए को टर्न ऑफ कर दिया, यानी कि इसने 2 घंटे जो है वो तो काम किया ही किया है इसने, 2 आवर्स। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ जी, देखिए 2 मिनट का इनका कंबाइंड वर्क आपने निकाल लिया, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 × 7/60 ये आ गया, ये आपका 7/3 आ गया, ठीक है। ये आपका 2 मिनट में जो उन्होंने इकट्ठा काम किया था। अब ए तो बंद कर दिया, 2 मिनट के बाद जो टैप अब की ए और बी थी, ठीक है, ए और बी थी, अब इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, इसको आपने रिमूव कर दिया 2 मिनट के बाद। अब सिर्फ बी वर्क कर रही है। अब हम देखते हैं भाई कितना पार्ट जो है वो बी को फिलअप करना है। अब 7/3 पार्ट तो भर गया, अब बचा कितना, 1 - 7/30, यानी कि 23/30 पार्ट जो है वो बच गया, ठीक है, 23/30 पार्ट बच गया। अब बी का हमें पता है कि बी जो है वो टोटल जो भरती है टैंक को कितने टाइम में, 20 मिनट में भरती है, यानी कि हम निकाल सकते हैं कि भी 1 मिनट में 1/20 पार्ट भरती है वो, ठीक है, 1 मिनट में। तो 23/30 पार्ट वो कितने टाइम में फिलअप करेगा, ठीक है, बस ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये 20 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपके पास आपका 46/3 मिनट जो है वो इसका आंसर आ गया, सॉरी आंसर नहीं, ये बी का आ गया टाइम कि बी ने कितना टाइम लिया है। अब हमारे पास था कि टोटल कितना टाइम लग रहा है, टोटल 2 मिनट तो जब ए और बी ने इकट्ठे काम किया होगा वो, प्लस बी के द्वारा जो एक्स्ट्रा टाइम लगा था फिलअप करने में 46/3 मिनट, ठीक है, ये टोटल आपका टाइम 52/3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 20 मिनट बाय अनदर टैप इन 60 मिनट। कह रहे हैं कोई भी टैंक है, एक टूंटी के द्वारा 20 मिनट में फिल होता है और दूसरी टैप से 60 मिनट में। दोनों टैप को 5 मिनट के लिए ओपन किया, ठीक है, जब 5 मिनट के लिए ओपन किया तो दोनों का 5 मिनट का इकट्ठा काम हो गया इतना, ठीक है, ये समझ आया आपको, 5 मिनट का उनका इकट्ठा काम हो गया। एंड देन फर्स्ट टैप को बंद कर दिया, यानी कि अभी टैप सिर्फ दूसरी बची हुई है जिसकी आपकी कैपेसिटी थी कि वो 60 मिनट में पूरा का पूरा जो टैंक है उसको फिलअप कर सकता है। तो ये 5 मिनट में इतना आ गया। उसके बाद आप देखिए कि फर्स्ट टैप को आपने शट ऑफ कर दिया तो उसके बाद कितना टाइम में वो टैंक फिलअप होगा, वही सेम क्वेश्चन जो पिछले वाला था। आप टोटल वर्क डन निकालिए, सॉरी टोटल कितना पार्ट फिलअप हुआ, 1 में से माइनस कीजिए, ए की कैपेसिटी 20 मिनट में पूरी फिलअप करती है तो जितना पार्ट बचा वो कितने टाइम में फिलअप होगा, तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, देखिए वही 1/3 आ गया, माइनस कर दिया 2/3, 1 मिनट में 1/60 पार्ट फिलअप करता है तो 2/3 पार्ट कितने टाइम में फिलअप करेगा वो, 40, ये mm नहीं है, इट्स मिनट, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू पाइप फंक्शन टुगेदर द टैंक विल बी फिल्ड इन 12 आवर्स, वन पाइप फिल द टैंक इन 10 आवर्स फास्टर देन द अदर, कि जो पहली पाइप है वो 10 घंटे ज़्यादा फास्ट है दूसरी टैंक से, यानी कि अगर आपकी पहली पहला जो टैंक है आपकी एक्स आर में उसको फिलअप करता है, ठीक है, तो दूसरा जो आपका टैंक है वो उससे 10 आवर फास्टर है, 10 आवर फास्टर, यानी कि ए की अगर स्पीड वो 1 घंटे में एक्स एक्स आर लेता है वो फिलअप करने में, तो जो बी है वो कितना लेगा, x+10, ठीक है, आर लेगा, बिकॉज़ इन्होंने कहा है ना कि जो पाइप है वो 10 मिनट फास्टर है दूसरे से, तो 10 मिनट फास्टर तो तभी हुई ना, 10 आर फास्टर, ठीक है।
अब क्या करना है, इन दोनों को जस्ट वो करना है, 1/x, मैं दिखा देता हूँ, यही सिंपल सी आपकी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे बस आपको x को सोल्व करना है। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो सीधा पुट करिएगा, सोल्व मत करने बैठ जाइएगा एग्ज़ाम में इक्वेशन को, ठीक है। ऑप्शन पुट करिएगा, यहाँ पे क्या आएगा वो तुरंत आपका रिजल्ट दे देगा। जैसे यहाँ पे 30 और 4 है, ठीक है, तो फास्टर पाइप विल टेक 20 आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है। तो फास्टर पाइप आपकी कितनी लेगी, यहाँ पे सच इन्होंने दो तरीक़ों से किया, देखिए। या तो आप ऐसे मान सकते थे, यहाँ पे सॉरी मैंने एक चीज़ गलत लिख दी थी, अगर एक पाइप MR लगते हैं उसको टैंक फिलअप करने में, तो दूसरी पाइप को लगेंगे M-10R, ठीक है, बिकॉज क्योंकि उतने टाइम में वो 10R जो है वो फास्ट है उससे, तो 10 आवर फास्ट है, मतलब उसको M-10R लगेंगे उसको फिलअप करने में। बस आगे इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन देखते हैं। ए पाइप पी कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स, दूसरी पाइप आर है वो 15 मिनट में फिल करती है, बट द थर्ड पाइप एन एम कैन एम्प्टी इन 6 मिनट में, उसको पूरा का पूरा एम्प्टी कर देती है। तो नेट पार्ट अगर मैं कहूँ कि एक घंटे में कितना फिलअप हुआ, तो ये 1/12 प्लस 1/15 माइनस के 1/6, ये जो नेट पार्ट है ये आपका एक घंटे में कितना वो पार्ट फिलअप हुआ। अब आगे देखिए, द फर्स्ट टू पाइप पी एंड आर कैप्ट ओपन फॉर डबल द 2.5 मिनट इन द बिगिनिंग एंड देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन। बस यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि कौन सी पाइप जो है वो कितने कितने देर जो है वो ओपन की हुई है, बस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी कंस्ट्रेन लगा दी है यहाँ पे, वही चीज़ समझने की है। बाकी क्वेश्चन वही है कि टैंक कितने टाइम में एम्प्टी होगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरी पाइप तो खुली ही है, बस पी आर का टाइम दे दिया कि कितने कितने टाइम के लिए वो ओपन है। कितने टाइम के लिए ओपन कहा गया है, कह रहे हैं डबल द 2.5 मिनट इन द बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग में जो आपके 2.5 मिनट हुए हैं उससे डबल के लिए ये दोनों पाइप जो है वो आपकी पी और आर ओपन रखी हैं, एंड थर्ड पाइप को आपने ओपन रखा है। तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन करना है सॉल्व। देखिए जो पी और आर है ये क्या कर रहा है इन्होंने, मतलब जो स्टार्टिंग के 2.5 मिनट हुए हैं, 2.5 मिनट जो स्टार्टिंग के हुए हैं, ठीक है, बिगिनिंग के, उसका डबल टाइम, ठीक है, उतने टाइम के लिए इसको ओपन किया है। फिर उसके बाद आपका जो ये एम्प्टी करने वाला सिस्टम है ये फिर ओपन हुआ, जो तीसरी पाइप है जो एम्प्टी कर रही थी उसके बाद वो ओपन हुई है, ठीक है। तो ये 5 बन गया, 5 मिनट, यानी कि ये 5 मिनट तक ये पी और आर जो है वो आपस में वर्क किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 3/4 पार्ट वो भर गया। अब 3/4 पार्ट 5 मिनट में फिलअप हो गया। उसके बाद देखिए, पार्ट एम्प्टीड इन 1 मिनट when PR एंड all आर ओपनड। यहाँ पे देखिए, ये पार्ट 5 मिनट के लिए, मतलब एक टैंक है, स्टार्टिंग में क्या था, 5 मिनट तो सिर्फ जो पी और आर है इन्होंने 5 मिनट तक तो भरने में लगाया। इसके यहाँ पे अब तक कोई ड्रेन नहीं था, ठीक है, देर इज़ नो ड्रेन अप टू 5 मिनट, ठीक है, यानी कि 3/4 पार्ट जो है वो फिलअप हो चुका था। उसके बाद क्या करा, तीनों को एक साथ वर्क करा, मतलब पी और आर भी आपके ओपन है और अब ये भी आपकी ड्रेन भी ओपन कर दी, जिसकी आपकी 6 मिनट में पूरे टैंक को एम्प्टी करने की इसकी कैपेसिटी थी। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि नेट पार्ट फिल्ड अप विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना नेट पार्ट फिलअप हो रहा है, 1/12 प्लस 1/15 माइनस के 1/16, ये नेट पार्ट फिलअप इन 1 आर। अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/60, ठीक है। -1/60 का मतलब है कि नेट पार्ट आपका क्या हो रहा है, निकल रहा है, मतलब ये एम्प्टी हो रहा है, मतलब इतना पार्ट निकल रहा है, ना कि भर नहीं रहा, बल्कि इस रेट से वो निकल रहा है। अब चूंकि जब इस रेट से पानी निकल ही रहा है 1 मिनट में, जब हम तीनों को एक साथ
कर रहे हैं तो हमारे पास अभी टैंक में है कितना था, यानी 5 मिनट तक जो टैंक है आपका, 5 मिनट तक जो टैंक है वो तो 3/4 भरा है, 3/4 आपका टैंक भरा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तीनों को ओपन कर दिया, तीनों को एक साथ हमने वर्क कर दिया, और वर्क करने के बाद तीनों को हमने देखा तो उसकी कैपेसिटी 1/16 है। तो अगर उसकी कैपेसिटी आपकी 1/16 है तो नेट पार्ट आपका कितना होगा, तो 16 × 3, क्योंकि एक मिनट में 1/16 पार्ट एम्प्टी होता है, तो 3/4 पार्ट कितने टाइम में वो होगा, तो 45 मिनट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देर आर द 7 पाइप अटैच्ड विद द टैंक, आउट ऑफ सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट, एवरी इनलेट कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स एंड एवरी आउटलेट कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर्स, ठीक है। बस वही है, 7 पाइप हैं, कुछ आपकी फिलअप कर रही हैं, कुछ बाहर निकाल रही हैं, जो टोटल इनलेट मिल के टैंक भरती हैं 10 घंटे में, और टोटल आउटलेट टैंक को एम्प्टी करती हैं 15 आवर में। तो जब सारी की सारी पाइप को एक साथ हमने खोल दिया, मतलब आपकी इनलेट और आउटलेट दोनों वर्क कर रही हैं, तो उस केस में जो टैंक है वो 8/11 घंटे में टैंक जो है फिलअप करता है। तो आपको बस वो नंबर बताना है कितना है, कितने आपके इनलेट हैं, कितने आपके आउटलेट हैं, तो देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए, लेट नंबर ऑफ आउटलेट बी एक्स, और तो नंबर ऑफ़ इनलेट कितनी होगी, टोटल 7 है तो 7 - x नंबर ऑफ़ इनलेट होगी। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि सारी की सारी पाइपों को जब आप ओपन कर दोगे तो टोटल टैंक आपका फिलअप हो रहा है, ना कि एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। यानी कि पानी ज़्यादा उसमें गिर रहा है, निकल कम रहा है, ठीक है। तो ये 30/11 आवर में वो हो रहा है। एक घंटे में कितना पार्ट टैंक का फिलअप होगा, 11/3/11/30 आवर में, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लगा दीजिए। अब देखिए, 7 - x/10, क्योंकि नेट 1 आवर का टैंक आपका फिलअप हो रहा है, यानी कि आपका जो नंबर ऑफ इनलेट हैं उसमें से नंबर ऑफ आउटलेट घटाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ इनलेट में जितना वर्क किया, यानी कि नेट आपका पानी जो है वो ऐड हो रहा है, यानी कि निकल कम रहा है, यानी कि 7 - x इनलेट का जो आपका वर्क है वो कितने टाइम में, एक आपका मतलब टोटल आपकी 10 घंटे में सारी इनलेट करती थी, ठीक है। तो 7 - x इनलेट का जो हो गया वो 7 - x × 1/10। अब ऐसे ही सारी आउटलेट आपकी 15 घंटे में टैंक को एम्प्टी करती थी, हैं कितनी आउटलेट, x हैं, तो x/15 आ गया। इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के पास आपके पास आंसर आ जाएगा 2, तो 2 ही आपका इस सवाल का, हाँ आगे 2 आ गया, तो आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ आउटलेट और इनलेट कितनी है, नंबर ऑफ इनलेट आपकी 5 होगी और आउटलेट आपकी 2 होगी, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते थे जो आपका ऑप्शन था, ठीक है, मतलब ऑप्शन में अगर आपको इनलेट कम दिखे और आउटलेट ज़्यादा दिखे, ठीक है, क्योंकि पार्ट नेट फिलअप हो रहा है तो नंबर ऑफ़ इनलेट ऑलवेज ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ आउटलेट से, ठीक है। थोड़ा सा इंडिकेशन यहाँ से भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें ये डिपेंड करेगा, टाइमिंग फैक्टर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि टाइमिंग फैक्टर कितना है। अब यहाँ पे तो क्या है, सारी की सारी इनलेट आपकी 10 घंटे में टैंक को फिलअप कर रही हैं, ठीक है, और आउटलेट जो है वो 15 घंटे में आपकी टैंक को बाहर निकाल रही हैं। तो यहाँ से तो साफ इंडिकेशन मिल रही है कि इनलेट ज़्यादा होने वाली हैं आउटलेट से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये कोमा है, पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटी ऑफ टैंक बी इज 80% मोर देन डेट ऑफ ए, दोनों टैप को साइमल्टेनियसली आपने क्या किया, ओपन किया, देन दे टेक 45 आवर्स टू फिल द टैंक, कैपेसिटी दे दी कि बी की 80% ज़्यादा है ए से, यानी कि ए की अगर एक्स है तो बी की कितनी होगी, 80% उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, 1.8x आपकी इसकी होगी, बी की होगी। दोनों को आपने साइमल्टेनियसली ओपन किया, ओपन करने के बाद 45 आवर जो हैं वो लगते हैं, तो बी को कुल कितना टाइम लगा तो कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। ये बी का एक्स आर है और टाइम टेकन बाय ए, ए ने कितना टाइम लिया वही मैंने बताया, 1/8x, 9/5x हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, जो नेट टाइम टेकन है, या तो वो इक्वेशन से कर लीजिए या फिर आप सीधा बी ए फॉर्मूला जो है वो
डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, सीधा भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ए बी ओवर में ए बाय बी, ठीक है, नेट पार्ट, क्योंकि वो वैसे ही सोल्व करके आया है कि दोनों का आपने प्लस करके इज इक्वल टू 1/45 आपको करना है, बस वैसे ही ये क्वेश्चन आया है, ये वही 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/45, ये a + b ओवर में ए बी इज इक्वल टू 1/45, ऐसे ही तो बना है ये इक्वेशन फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द थ्री टैप ए बी सी फिल ए टैंक इन 20, 15 और 12 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। सारी टैप आपने टैप को इकट्ठे खोला तो 40% भरने में उनको कितना टाइम लगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने एक घंटे का टोटल टाइम निकाल लीजिए, एक घंटे में कितना पार्ट फिलअप होगा, अगर एक घंटे में जितना पार्ट फिलअप होगा तो 40 ओवर में 100, यानी कि 2/5 पार्ट फिलअप करने में कितना टाइम लगेगा। अगर एक पार्ट फिलअप करने में एक्स लगता है तो 2/5 आर फिलअप करने में कितना लगेगा, वही निकालना है इसमें, वही 1/5, यानी कि आपका टोटल पार्ट एक मिनट में जो फिलअप होता है वो 1/5 होता है, ठीक है, नेट पार्ट। तो 2/5 पार्ट आपका कितने टाइम बाद फिलअप होगा वो आपने यहाँ पे निकालना था। तो 40 ओवर में 100 × 5 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टैप ए बी सी आर अटैच्ड विद अ टैंक, वेलोसिटी ऑफ द टैंक कमिंग थ्रू देम, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग थ्रू देम आर 42 लीटर पर आवर, 56 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी आर इनलेट एंड सी आपका क्या है, आउटलेट है। तो यहाँ पे आपका 16 घंटे में जो पार्ट फिलअप होगा, जो टैंक है वो 16 घंटे में आपका फिलअप हो जाता है, तो व्हाट इज़ द, इफ़ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली टैंक इज़ फिल्ड इन 16 आवर्स, ठीक है, तो 16 घंटे में भर जाता है, तो टैंक की कैपेसिटी पूछी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल टैंक टोटल जो आपका 16 आवर्स में वो फिलअप हो जाता है, ठीक है, तो एक घंटे का नेट वर्क जो हुआ 1/16 हुआ। देखिए ये आपकी एक घंटे में 42 लीटर भरा, बी ने, दूसरी टैप ने 56 लीटर भरा और तीसरी टैप ने 48 लीटर भरा, एक घंटे में नेट पार्ट आपका 50 लीटर जो है वो भरा एक घंटे में, तो नेट पार्ट आपका 60 आवर्स में वो पूरा भरता है, तो 60 आवर में अगर एक घंटे में 50 लीटर भरता है तो 16 आवर में 800 लीटर भरा, यही आपकी क्या है, टैंक की कैपेसिटी है। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।